नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज एक बार फिर मैं आपको हमारे इस खास शो में लेकर आई हूं, जहां मैं खास शख्सियत को आपसे मिलवाती हूं। और आज हमारे इस शो में एक बार फिर से प्रांजलि जी आई हैं, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और उनके साथ हैं उनके कोच नितिन जी, जो सूटेक्स अकेडमी चलाते हैं, वो उनके ओनर भी हैं और कोच भी हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अपने एकेडमी के बारे में आज बताइए, क्योंकि गोल्ड मेडल और उस खेल के बारे में तो उस दिन हमने बातें की थी, आज एकेडमी के बारे में बातें करते हैं। क्योंकि कोई आना चाहे, कोई ज्वाइन करना चाहे और कोई प्रांजलि जी बनना चाहे एक बार फिर से, तो क्या कर सकता है वो? देखो, हम सबको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, बट हम चाहते हैं कि सभी एज ग्रुप को आना चाहिए। हम 8 ईयर से स्टार्ट कराते हैं, मैक्सिमम 70-75 तक कोई एज लिमिट नहीं है शूटिंग के अंदर। तो काफ़ी लोग एजिड सोचते हैं कि 50 में 60 में हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस बार हमारा ओलंपिक में गोल्ड आया, वो देखिए 52 ईयर्स की एज में आया। ओके, 75 तक आपने बोला, खेल सकते हैं क्या? हाँ, कोई एज लिमिट नहीं है शूटिंग में, मोटिवेशन होना चाहिए। और फिटनेस संभव है? वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, अपनी आप फिटनेस को कितना प्रिपेयर रखते हो अपनी टीम। अच्छा, मतलब कर सकते हैं अगर कोशिश करते। और एज लिमिट क्या है वैसे? कोई एज लिमिट नहीं है गेम्स की, कोई शूटिंग में एज लिमिट नहीं है। अच्छा, शूटिंग में नहीं है। ओके, कहाँ पर है ये एकेडमी? और हमारी रामज्ञा स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर भी है, अदर मल्टीपल ब्रांचेज है, 40, 50, 93, टोटल 8 ब्रांचेज है हमारी। तो ये रामज्ञा वाला जो है उसमें अगर कोई एनरोल करना चाहे रामज्ञा में भी। ओके, हाँ जी, ये स्पोर्ट्स एकेडमी जो स्कूल से पढ़े कोई भी नहीं, सबके लिए, स्कूल वाले आउटसाइडर के लिए। और रामज्ञा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है सभी एकेडमी के लिए, अच्छे जितने भी टॉप मोस्ट एकेडमियां हैं सबको। अच्छा, आपके यहाँ पर कितने बच्चे एक साथ, मतलब कोचेज ज्यादा होंगे या फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने बच्चे एक साथ आप मैनेज कर पाते हैं? हम 40-50 स्टूडेंट्स एवरी एकेडमी में हमारे होते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे पास 40-50 के 40 हर एकेडमी में। हाँ, मिनिमम 40-50। और 40-50 बच्चों के लिए कितने कोचेज लग जाते हैं, मतलब एक बच्चे पे कितने कोच? रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे कोचेज अवेलेबल होते हैं। ओके, और हम उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी प्रांजलि जी आई, पहले प्रांजलि जी ने हमारे पास आके ज्वाइन किया 11 मंथ्स पहले। थोड़ा सा इन्हें था कि मुझे करना है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा था। हमने मोटिवेट किया, उसके बाद हमें उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया, और पूरी मेहनत इन्होंने करी। आपने बताया हमारी तो गाइडेंस है, बट मेहनत तो इन्हें करनी है, मेहनत। अच्छा, आपने बताया कि वेपन्स आप प्रोवाइड करवाते, तो हर किसी को वेपन मतलब मिल जाता है खेलने के लिए उसी का? हम सबको प्रोवाइड कराते हैं, जो खरीद सकता है, जो बाद में अच्छा रिजल्ट देता है वो खुद का ले सकता है, बट अगर काफी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, वेपन्स के अलावा जैसे आप कैसे चूज करते हैं कि कैसे इसको कहां तक खेलना है, नेशनल खेलना है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे यहां पे जैसे स्टेट वाइज सबसे पहले स्टेट होता है, हम उसमें पार्टिसिपेट कराते। जैसे ही उसमें आप पार्टिसिपेट करने के बाद आप क्वालिफाई होते हो तो नेक्स्ट इवेंट में जाते हो। जैसे प्रांजलि जी को हमने पहले प्री स्टेट खिलाया, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए, इन्होंने तो इवन हम तो क्वालिफाई इनके लिए खिलाया था, मैं इनके पहले ही 2 महीने के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर इन्होंने स्टेट में गोल्ड लेके आए। तो ऐसे सब बच्चों को हम प्लेटफॉर्म सबको देते हैं, और उसके बाद अच्छा स्टेट जैसे ही वो सिलेक्ट होते हैं उसके बाद नेक्स्ट में। अच्छा, स्टेट में किसको भेजना है, वो आपके एकेडमी से कैसे? सबसे पहले प्री स्टेट होता है हमारे यहाँ, और दिल्ली में दिल्ली स्टेट होता है, हर किसी को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ से सिलेक्ट होता है उसे खिलाया जाता है। तो फिर आपके राइट, किस तरह की चुनौतियां आती हैं, क्योंकि अब आप बता रहे हो हर एज लेवल का? देखो, थोड़ा सा कॉस्टली गेम है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, थोड़ा सा होता है, बट हमारी तरफ से जितनी भी हेल्प होती है हम करते हैं। और बच्चों को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत रहती है, अगर थोड़ी भी मेहनत करे तो गेम ऐसा नहीं है कि उसमें आगे नहीं जा सकते, इसमें मेंटली प्रिपेयर बहुत रहना होता है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। और मोटिवेशन के साथ साथ अगर आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल भी अच्छा होता है अगर आप शूटिंग करते हो। अच्छा, प्रांजलि जी से मैंने पहले पूछा था कि फिटनेस की कितनी जरूरत है शूट में, इन्होंने बोला और हमें भी लगता है, शायद जनता को भी यही लगता है कि शूटिंग में फिटनेस की क्या जरूरत है। देखो, नॉर्मल फिटनेस तो हर एक गेम में चाहिए। हाँ, तो आपको नॉर्मली अगर आप गेम नहीं करो, फिटनेस तो आपको चाहिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जो इस माइंडसेट के साथ आ जाते हैं कि फिटनेस की जरूरत क्या है, फिर आप उनको कैसे समझा रहे हो? जब आते हैं, जब प्रैक्टिस करते हो और रिजल्ट आता है, उन्हें लगता है एकेडमी आपका सपोर्ट कर रही है और आप उनके साथ रिजल्ट दे रहे हो, तो मोटिवेशन जब कोच करता है तो बच्चा अपने आप करता है, रिजल्ट अपने आप देता है।
अच्छा, किस एज ग्रुप को आपको लगता है आसान है समझाना देखो सभी सिखाना? एज ग्रुप को, बच्चे और अच्छे होते हैं, बच्चों को जैसे हम सीनियर मैच्योर होते हैं जिसको बच्चों के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मोटिवेशन जो उन्हें समझाया वो 100% अपना देते हैं। सीनियर्स के साथ इजीली हम समझा पाते हैं, बट वो मैच्योर होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सभी एज ग्रुप के लिए। हाँ, मतलब प्रॉब्लम हर जगह है, हाँ, कोई हर जगह समझ नहीं पा सब रहा और कोई प्लस ज्यादा ही माइनस समझ सबका, ले प्लस रहा है। माइनस सबका। अच्छा ठीक है, तो मतलब किसी भी एज ग्रुप का कोई चाहे कि आपके यहाँ आके ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल, हम और सभी लोगों को हम चांस देते हैं। ओके फाइन, इसके लिए कुछ ईमेल आईडिया, कोई फोन नंबर ऐसा कुछ है जिस पे आप गाइड कर हमारी सकते सूटेक हैं? शूटिंग एकेडमी है, आप गूगल पे सर्च करोगे उस पे सारे नंबर मेल्स आईडी सारी आ जाती है। अब जहाँ तक गोल्ड वगैरह का है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम, आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हो? क्योंकि अगर गोल्ड ही सोच के कोई जाए तो बहुत हाई एम्बिशन हो जाता है। देखो हमें ये मानना है कि बच्चे को मेहनत करनी चाहिए जी, और वो यही अपना कहना चाह रही 100% हूँ देगा तो 100% उसका मैं। मेडल आएगा। मेडल आएगा अगर मेहनत लेकिन, करेगा उसके साथ किस्मत भी है, किस्मत बट हाँ जब काम आती है जब आप मेहनत करते हो। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे होता है ना कि खेल को खेल की भावना से खेलो, जीत के उससे नहीं, ये इस तरह के मोटिवेशंस जरूरी होते हैं बच्चों के लिए या फिर आप? बिल्कुल, देखो हम रेंज पे यही बोलते हैं, जो आपने रेंज पे सीखा है, अगर आप टूर्नामेंट में खड़े हो वहाँ पे ये मत सोचो कि मैं टूर्नामेंट में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। आप जैसा हम रेंज पे सिखाते हैं नॉर्मली, आपको नॉर्मल अपनी रेंज समझ के खेलना चाहिए और कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली खेलोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। अच्छा, इस बार ओलंपिक में गोल्ड आए हैं, जैसे मनु भाकर टाइप गोल्ड लेकर आई हैं और शूटिंग में हमारा अच्छा रहा है प्रदर्शन, तो किस तरह का अंतर आपको दिखा? जो पहले लोग आ रहे थे, क्राउड देखो बढ़ा काफ़ी है। थोड़ा सा हम लोकली अगर देखते थे गर्ल्स के लिए बोलते थे कि क्या करोगी शूटिंग करके, गन चला के क्या करोगे, इस बार हमारे पास जितने भी एडमिशन्स आए उसमें गर्ल्स सबसे ज़्यादा आई है। ओके, हाँ, तो तो मतलब लोगों को मोटिवेशन मिला है और काफ़ी हद तक हमने देखा है कि इस बार मोटिवेशन बहुत अच्छा है बच्चों के अंदर, सभी के अंदर, ऑफिस वाले, वर्किंग वाले, बच्चे, स्टूडेंट, सभी लोग आके, मेल फीमेल सभी आते हैं। और फीमेल्स की भी कैटेगरी बड़ी है, ऐसा नहीं है, उनका भी मोटिवेशन आया उनकी फैमिली की तरफ से कि हमारे बच्चे को करा। अच्छा, फीमेल आपने बताया, फीमेल्स के साथ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उनको सिखाना, उनको नहीं सम, नहीं नहीं क्योंकि नहीं टाइम मैनेज कैसे इवन करते और हैं? मैच्योर होते हैं, अगर उन्हें समझाया जाता है वो समझ जाते हैं। अच्छा नहीं, जैसे मान लो उनके फैमिली में कुछ काम है, कुछ है, तो किसी दिन ऐसा हो गया कि नहीं आज तो हम नहीं आ पाएंगे, जो अक्सर ना देखो लड़कियां वैसे अगर थोड़ा किसी को करना है और मोटिवेशन है उनके अंदर और रिजल्ट दे रहे तो उन्हें घर पे टाइम देना होगा। अगर आप नहीं आ पाए तो आप घर पे प्रैक्टिस करो, हम घर के लिए बताते हैं। घर पे कैसे प्रैक्टिस घर होगा? पे होल्डिंग होती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। ओके, मतलब किसी दिन अगर यहाँ नहीं आपका आ पा मिस रहे हो हैं। जाता है, आपका थोड़ा टाइमिंग कम रहता है, तो आप घर पे कर सकते हो। अच्छा, प्रॉपर शूटिंग नहीं कर सकते लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शूटिंग में जैसे आपने बताया होल्डिंग, मैंने भी देखा है थोड़ा बहुत, ये पहले दिन से तो बंदूक नहीं दे देते होंगे कि भाई चलो गोली चलाओ, तो कितने दिन लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में? देखो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम पहले दिन एक ट्रायल करा देते हैं ताकि डीमोटिवेट ना हो, हाँ समझ में आया कि आप लेकिन करोगे रूल क्या। यही है कि आपको पहले बेसिक सिखाना चाहिए, बट हम एक मोटिवेशन के लिए थोड़ा बेसिक चला क्या देते होता, हैं। क्या है बेसिक्स? पहले बच्चे की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, साइड कैसे होता है, आपको रूल्स क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पहले बच्चे ये को सब पता पहले है। हाँ, बताते हैं, मतलब सेफ्टी बिल्कुल पर्पज बेस सबसे से इम्पोर्टेंट है। समझाना, राइट, ठीक है। एज अ कोच, एज अ ओनर आप चलाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कोच हैं, बच्चों के हिसाब से आप कोच डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इस नहीं सोच का हमारे है जितने तो? भी कोच है सब रेनॉल्ड शूटर है, ऐसा कोई भी नहीं है, सब परफेक्ट है अच्छा, और बच्चों को हम सभी को एक ही प्लेटफॉर्म देते हैं। आप कोच भी हैं। हाँ मैं कोच अब भी मान और लीजिए 10 साल से मैं आपका, रेंज भी रन कर अब रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका वीडियो देखकर कोई कहता है कि नहीं, आपकी बातें सुन के कोई मोटिवेट हो जाता है और कहता है मुझे यही वाला कोच चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मैंने ड्राइविंग क्लास ली थी तो मैंने जो रिव्यू देखा, रिव्यू के सबसे जिसके रिव्यू ज़्यादा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए जो कह रहे हैं हमें यही कोच चाहिए, फिर आपका अकेडमी कैसे डिसाइड कर रहा है? नहीं तो देखो मैं भी सबसे पहले तो मैं खुद ही सारी रेंजेस पे जाता हूँ, अल्टरनेट में सभी रेंज पे राउंड लेता हूँ और उसके साथ सबको ऑब्जर्व भी करता हूँ और जो भी मिस्टेक करते हैं उन्हें मैं भी बताता हूँ। और सारे ही कोचेज़ हमारे एक वीक में एक टूर्नामेंट कराते हैं, इसमें सारे ही कोचेज़ अवेलेबल होते हैं और सारे अकेडमी के बच्चे भी अवेलेबल होते हैं। कभी रामज्ञा में हमने सारे बच्चे बुला के वीकेंड पे हम कराए थे, कभी सारे बच्चे हम अदर अकेडमी में बुला के, ताकि सारे कोचेज़ को सारे बच्चे जाने, अवेयर रहे और बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आए, टूर्नामेंट वाली फील, जब हमारे पास इतने बच्चे हैं तो उन्हें वो इन हाउस ही मिले। ठीक है, ये नेशनल तक आप जाते हैं तो किस तरह का नेशनल तक भी अरेंजमेंट? जाते हैं हम, इंडिया टीम के ट्रायल्स में भी हमारे बच्चे, इंटरनेशनल में भी हमारे बच्चे जाते हैं। किस तरह के अरेंजमेंट्स वहाँ आपकी तरफ से होता है? एक तो देखो क्या होता है, पहले ऑनलाइन एंट्रियाँ होती है वो सब हम खुद कराते हैं, उनके शूटर आईडी कार्ड बनते हैं वो सब हम अप्लाई कराते हैं और कोचिज जाते हैं और उनके साथ पीछे होते हैं, पूरा उनका सपोर्ट करते हैं। और जिन बच्चों के पास वेपन्स नहीं है उन्हें रेंज प्रोवाइड कराती है और जिनके पास खुद का उनके पीछे भी कोचिज रहते हैं।
ओके तो जब खेलने जाते हैं तो पर पर्सन एक कोच रहता है या ऐसे 4-5 लोगों के लिए डिपेंड करता है, जैसे कि आप नेशनल दो तीन खेल। बच्चे हैं और अलग अलग लाइन्स पे अगर उनका टूर्नामेंट है तो दो तीन कोच भी होते हैं, दो तीन और कोच भी होते हैं। पास में अगर लाइन है तो एक बच्चा भी, एक कोच भी करा पाता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कौन सी डिटेल में खेल रहे हैं। ओके तो आप अपनी तरफ से सारे फैसिलिटीज बिल्कुल देते हो जो भी किसी को भी चाहिए हो, बिल्कुल और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि मान लीजिए आपने सारा सेटअप करवा दिया है, पर वहाँ पर कभी होता है कि कुछ लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है गेम्स में भी, नहीं कैसे नहीं मैनेज हमारे करते यहाँ हैं पे आप लोग? इतना नहीं, हम सब पहले से प्रिपेयर करके जाते सब कुछ एकदम हैं, हम सेट सब रहता है, पहले ऐसा से, वहाँ जाके हमें एंड ज़रूरत ही नहीं। मोमेंट पे ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती, नहीं जैसे कई नहीं बार बड़े बड़े गेम्स में भी हो जाता है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है, तो यहाँ तो देखो छोटे शूटिंग के गेम्स अंदर में। इतनी पॉलिटिक्स नहीं है, अच्छा, शूटिंग के अंदर नहीं है। ओके फाइन। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे किस तरह का अंतर रहता है बच्चों को लेकर जाना एंड? देखो आप स्टेट खेल रहे हो, आप एक यूपी खेल रहे हो, दिल्ली खेल रहे हो, वहाँ पे 2,000-3,000 बच्चे आ रहे हैं, और नेशनल पूरे इंडिया के बच्चे आ रहे हैं, और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वहाँ तक सब सेलेक्ट होके बच्चे आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद तो डायरेक्ट इंडिया टीम के ट्रायल्स होते हैं। अच्छा, स्टेट वाले में ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब नहीं खेलने मुश्किल वाले को है, तो? क्वालि अच्छा, खेलना मुश्किल नहीं है, क्वालिफाई करना, अगर मेहनत करे तो मुश्किल नहीं है, बिना मेहनत के तो क्वालिफाई होगा ही। हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके एकेडमी में आना चाहें, सीखना चाहते हैं, और लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, नहीं जो देखो एक होता है मैं ना। शूटिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी वर्किंग है, आज की लाइफ इतनी बिजी है, सब बिजनेस वाले और जॉब वाले सब ओवरलोडेड है, वो अगर शूटिंग में आएंगे तो वो अगर 1 घंटे लाइन पे खड़े तो फ़ोन अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। ओके तो 1 घंटे फोन माइंड ना की देख के आप एक्सरसाइज आ सबसे जाएंगे। अच्छी इसमें होती है, ओके तो जो जॉब, मेडिटेशन नहीं कर पाते वो शूटिंग करने के बाद भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके तो जॉब वाले भी चाहे तो इस प्रोफेशन मेरे में? पास 90% जॉब वाले भी हैं, अच्छा, 90% जॉब जॉब वाले भी वाले हैं, भी तो वर्किंग मैनेज कर डॉक्टर्स लेते हैं, एमएनसीज वाले हैं, आपके सामने खुद बैठे जॉब वाले, हाउस हैं। वाइफ है, सभी है। अच्छा, जॉब वालों के लिए कोई टाइम का वो ऐसा नहीं कोई रहता? हम सभी चीज़ के मल्टीपल अकेडमियाँ हैं, उसमें हम जो मॉर्निंग करना चाहते हैं इसमें मॉर्निंग में भी ओपन है, और इवनिंग में तो हमारी रामज्ञा और सारी में हम करते हैं ओके इसमें। क्या टाइमिंग क्या हो सकता है, क्योंकि जो ऑडियंस हमारी देख रही हो, चाहे हो सकता है कि उनका ऑफिस टाइमिंग हो 9 बजे से 6 बजे या 7 बजे हमारे पास तक का, सभी रात के 9 बजे तक के सभी टाइम टेबल सभी स्लॉट है, टाइम सुबह आठ टेबल बजे है। से ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा था। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो बात कर सकता है और आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ वीडियो देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आप भी ये गोल्ड मेडल्स लेकर आ सकते हैं अपने लिए, और अपने बचपन का सपना जो अब बच्चों पर टाला है वो खुद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे मीनू वर्मा को यहीं पर इजाज़त दें, शुक्रिया।